नमस्कार। खुद को अनुशासन में कैसे रखें? सब कहते हैं कि अनुशासन में रहने वाला इंसान, जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह बहुत आगे बढ़ता है, वह दूसरों से आगे होता है, वह दूसरों से सफल होता है, वह दूसरों से हर फील्ड में डिफरेंट होता है। लेकिन आपको पता है, हर व्यक्ति हर समय अनुशासन में नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं तो उसका अनुशासन टूटता है, और जब अनुशासन टूटता है तो उसका काम डिस्टर्ब होता है। लाइफ में अगर आपको आगे चलना है तो आपको अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ में चलना होगा। कहते हैं ना कि डिसिप्लिन, आपके किसी भी फील्ड में अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप हर कार्य को बेहतर ढंग से कर पाओगे, हर कार्य को परफेक्ट ढंग से कर पाओगे। अब रही बात के सर, अनुशासन रखे कैसे, डिसिप्लिन रखे कैसे? डिसिप्लिन रखने के 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ये 4 रूल्स के साथ में अगर आप वर्क करोगे तो आपको शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उन मुश्किलों को हंसते खेलते पार कर जाओगे। तो अनुशासन में रहना है तो सबसे पहले आप कोई भी वर्क करो ना, उत्साह और उमंग के साथ में करना। आपने कोई भी कार्य हाथ में लिया तो सबसे पहले अपने मन में यह बात रखनी है, और ये सबसे पहले सोचना है कि क्या यह कार्य आपके मन मुताबिक है, क्या यह आप जो वर्क कर रहे हो आपके अंदर उत्साह है, उमंग है, जोश है, जुनून है, पैशन है उस काम के प्रति। अगर नहीं है तो वो काम मत करिए, क्योंकि जब आप कोई भी वर्क लेते हो तो उसमें अगर उत्साह और उमंग के साथ में कार्य नहीं करो तो वह कार्य आपका कभी सफल नहीं होगा। कार्य कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, एनर्जी, जोश, जुनून, पेशन होना चाहिए। अनुशासन का 1st रूल यही है, कोई भी वर्क हाथ में लो तो आपको उत्साह और उमंग के साथ में वो कार्य करना। कहते हैं ना, उत्साह और उमंग के साथ में वो कार्य करते हैं ना, तो किसी भी कार्य करने में डबल जोश आता है, डबल उत्साह आ जाता है मन में। नहीं यार, मुझे वो कार्य करना, मुझे वो कार्य। रात को नींद नहीं आती है, सुबह नींद जल्दी खुल जाती है, जिसको उत्साह और उमंग होता है किसी कार्य के प्रति। वरना तो क्या, आपको उस कार्य का करने का मन ही नहीं, हाँ यार करना है, आलस रहेगा। मन में भी कार्य करने के प्रति एक थोड़ा सा झिझक रहेगी, हाँ यार करना है। नहीं, कोई भी कार्य स्टार्ट करो ना तो अनुशासन का रूल यही कहता है, उत्साह और उमंग के साथ कार्य करना। 2nd, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ध्यान रखना। अगर आपके अंदर योग्यता है, यू हैव अ गुड एबिलिटी इन योर माइंड, बट यू डोंट हैव अ कंसिस्टेंसी इन एनी वर्क, यू कांट गेट सक्सेस इन योर वर्क। कहते हैं ना कि निरंतरता, जो इंसान अनपढ़ होता है लेकिन वह अगर किसी कार्य में निरंतरता रखता है ना तो वह सीख जाता है, वह लर्न कर जाता है। कैसे? निरंतरता से, कंसिस्टेंसी से। तो अनुशासन का 2nd नियम यही कहता है कि कोई भी वर्क करो तो बीच में ब्रेक मत करना, रेगुलर कंसिस्टेंसी से वो वर्क चलना चाहिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, आपको कार्य करना है तो करना है, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि कुछ नहीं, मैं ये तो मेरे लगातार प्रयासों का फल है। अधिकतर सक्सेसफुल लोगों की आपने स्टोरी सुनी होगी, अधिकतर लोग 99% लोग यही कहते हैं, कंसिस्टेंसी, हमारी सफलता के पीछे कंसिस्टेंसी, निरंतरता, निरंतरता सबसे बड़ी है। अगर निरंतरता नहीं रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 3rd, अनुशासन का 3rd रूल है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। मुश्किलें आएगी, असफलता भी मिलेगी, कितनी बार आप असफल हो गए, रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन माइंड में नकारात्मक सोच मत रखना कि ये मेरे से नहीं होगा। अपने आप को फेलियर मत मानना, अपने आप को एक असफल रूप के रूप में मत माना, नहीं यार मैं अब असफल हो गया, मैं फेलियर हूं यार, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये आपने मान लिया कि मैं आप फेलियर हूं तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड में सोच पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव सोच। कहते हैं ना कि इंसान वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होता है, बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या दुखों का पहाड़ ऊपर पड़ जाता है, लेकिन माइंड में, दिल में पॉजिटिव सोच होना तो वो सब कुछ पा सकता है। दोबारा अगेन, किसके बल पर? पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव माइंड के बल। इसलिए अपनी सोच पॉजिटिव रखना, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, आप वापिस अच्छी स्थिति में आ जाओ।
अनुशासन का फोर्थ रूल, खुद के काम के प्रति ईमानदारी, ध्यान रखना, खुद से बहाने मत बनाना, आप खुद के प्रति ईमानदारी रखना। कोई भी वर्क कर रहे हो तो अपने आप को दिल से पूछना, क्या इसमें मैंने 100% दिया, क्या इसमें मैंने पूरी मेहनत की, क्या इसमें मैंने अपना जी जान लगाया। आपका दिल गवाह दे देगा, ध्यान रखना। कोई भी काम आप कर रहे हो, उस काम के प्रति आपकी ईमानदारी नहीं रही, कोई दूसरा आपकी ईमानदारी जांचने नहीं आएगा, कोई दूसरा आपको देखने नहीं आएगा कि यार आप ये कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, दूसरा नहीं आएगा। आप अपने दिल को गवाह बनाइए, अपनी आत्मा को गवाह बनाइए कि क्या मैं इस कार्य में असफल हुआ हूं तो क्या मेरी गलती तो नहीं है, क्या मैंने तो आलस नहीं किया, क्या मैंने तो बहाने नहीं बनाए, क्या मैंने तो टाइम पास नहीं किया। अपने दिल से पूछना, आपका दिल गवाह दे देगा। और ध्यान रखना, जिस किसी कार्य में अगर आप ईमानदारी से कार्य करते हो, आप असफल भी हुए ना, तो अभी आपके दिल में संतोष रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, किस बात का, कि नहीं यार मैंने मेहनत की, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वापिस करो। वरना तो आप असफल हो गए, आप अनसक्सेस हो, लेकिन आपका मन कहेगा अरे यार तुमने तो मेहनत की नहीं, तूने तो आलस किया, तूने तो बहाना बनाया। आपका दिल गवाह दे देगा। इसलिए काम के प्रति ईमानदारी, काम के प्रति समर्पण रखना होगा। तो अनुशासन, डिसिप्लिन के ये फोर नियम आपको अपनाने होंगे। ये फोर नियम आपने अपना लेना तो आप अनुशासन में रहोगे और आप कहीं नहीं रुकोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे।